मैंने उनकी बात अभी तक पढ़ी नहीं सुनी नहीं लेकिन ऑब्वियसली उनका अपना ओपिनियन है उसको आप रिस्पेक्ट करते हैं देखें पेस की पेस इंपॉर्टेंट होती है लेकिन इस तरीके से हम जब लास्ट टूर पे आए थे 2019 में तो हम नसीम शाह को भी लाए थे मूसा को भी लाए थे उधर पेस था बट वो एक्सपीरियंस नहीं था अच्छी चीज़ ये थी जिस तरीके से मैंने पहले सवाल पर कहा कि दो लोग खेले जो पाकिस्तान के लिए कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे ओवर द लास्ट थ्री इयर्स आमिर जमाल और हुरम शहजाद उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी एक एक वक्त लग रहा था जब हमने उस्मान ख्वाजा का वो जब आउट दिया था ऑब्वियसली वो रिव्यू ओवरटर्न हो गया उस वक्त तक पंद्रह विकटें ले ली थी और एक अच्छा चांस होता उधर बीस विकटें लेने का पेस की जहाँ तक बात की हमने हारिस रऊफ़ की भी कोशिश की थी इसीलिए कि हमारे पास हारिस रऊफ जैसा बॉलर अपने स्क्वाड में हो कि जो हमें थोड़ी पेस प्रोवाइड कर दे अनफॉर्चुनेटली नसीम इंज था शाहीन अपने रिदम में आ, हम बिलीव करते हैं वो जब बॉलिंग कर रहा होता है ही इज़ अप देर इन टर्म्स ऑफ पेस ये चीज़ें वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप कलेक्टिवली देखते हैं कि किस तरीके से आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बनता है क्या बनता है लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन लोग रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं रेगुलरली डोमेस्टिकली किन लोगों की परफॉर्मेंसेज हैं और आई थिंक इस सिलेक्शन में भी जैसे हमने बारह का स्क्वाड अनाउंस किया इसमें मीर हमज़ा भी हैं जिन्होंने काफ़ी रेड बॉल क्रिकेट खेली है काफ़ी आउट किए हैं हसन अली की टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेज हैं पिछले दो साल से वो काउंटी क्रिकेट रेड बॉल खेल रहे हैं तो इस वक्त हमें एक एक आप कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशनल प्रोसेस है जिसमें आप कुछ चीज़ें ढूंढ भी रहे हैं कि किस तरीके से हम बीस आउट कर सकते हैं चाहे वो हमें पेस से चाहिए चाहे वो हमें एक्यूरेसी से चाहिए क्योंकि देखें एंड में आपने बीस विकटें लेनी है आप डेढ़ सौ पर बॉल कर लें वो आई डोंट थिंक इतना मैटर करता है जब बीस विकटें लेंगे तब हम मैचेस जीतेंगे देखिए मैं आ, मैं यही समझता हूँ कि जो वर्ड ड्रॉप है वो इधर काफ़ी एक एक हार्श वर्ड होता है हमने भी जिस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि हमने टैक्टिकली कोशिश की है कि जो इन इन कंडीशन में जो बेस्ट पॉसिबल टीम हो पाकिस्तान की हम उसको खिलाएँ फिर मैंने बोला कि उनको उनको जो प्रायोरिटी दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि उनकी जो जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी एक सीरीज़ पहले उनको उसमें कंकाशन हो गया था उससे पहले उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे उन्होंने चार साल बाद बहुत ही अच्छा कम किया था इस साल कराची की टीम को लीड किया था डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर भी बने टीम भी उनकी चैंपियनशिप जीती पिछले कई सालों से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो चाहे क्लब का मैच खेलें चाहे वो इंटरनेशनल मैच खेलें उनकी जो इंटेंसिटी होती है मैच की वो वही होती है लेकिन रिजवान का रिकॉर्ड देखते हुए इन कंडीशंस में वो ज़्यादा रीसेंट था हमने ये सोचा कि इस वक्त एक बेहतर चीज़ होगी कि टैक्टिकली हम रिजवान को इंक्लूड करें और सैफ़ी भाई को थोड़ा रेस्ट दें कि वो उनको थोड़ा टाइम मिले और फिर जब वो कम बैक करें जो उनको कंडीशन सूट होंगी वहाँ हम ज़रूर उनको भी टैक्टिकली कंसिडर करेंगे आ, बात करें उस पे काफी तंगी। आ, जो मैंने बोला कि उसमें स्टार्ट जो था उसमें आई थिंक ओपनर्स ने बहुत अच्छा खेला जब आप सौ एक सौ दस ओवर्स फील्डिंग करते हैं चार सौ का डेफिसिट होता है दूसरी टीम फ्रेश होती है तो और कंडीशंस हमने देखी थी पर्थ में कैसी थी तो उधर एक अच्छा स्टार्ट था कि ओपनर्स ने जाके न्यू बॉल को वो किया लेकिन जैसे हमने बात की हमारा एक टीम टारगेट है एक टीम गोल है अगर हमारी टीम सौ ओवर्स खेल रही है आ, तो हमें वो मार्जिन थोड़ा सा बेहतर करना होगा आई थिंक ये एक इम्प्रूवमेंट है जो हमें करनी होगी और हम तनकीद को नहीं देखते हैं। हम इसको ऑनिस्टली अपने अंदर अपने आप को रखते हुए देखते हैं कि हमारी क्या मिस्टेक थी और आप ये जरूर कह सकते हैं कि कि आजकल की जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें आपको थोड़ा सा आ, थोड़ा सा तेज़ खेलना पड़ेगा थोड़ा सा तब आप तेज़ खेलेंगे तब वो जो डेफिसिट है वो कम होगा या आपको मार्जिन मिलेगा मैचेस जीतने का तो ये एक चीज़ है जिसपे हम गौर कर रहे हैं इंप्रूवमेंट की लास्ट क्वेश्चन एक चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करनी है कि अगर आप फास्ट बॉलर हैं और आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं इंजरीज तो होंगी आपने पैट कमिंस की बहुत अच्छी मिसाल दी है लेकिन पैट कमिंस जब 20 साल के थे 18 साल के थे उनको काफ़ी इंजरीज़ हुई और क्रेडिट देना चाहिए पैट कमिंस को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि किस तरीके से उनकी प्रोग्रेशन हुई रेड बॉल देखें फास्ट बॉलिंग ऑलमोस्ट अगर आप ऑनेस्टली देखें ह्यूमनली इम्पॉसिबल है जो फास्ट बॉलर्स के लोड्स होते हैं टेस्ट क्रिकेट में जो डिस्टेंसिज़ वो कवर करते हैं जिन स्पीड्स में करते हैं जो फोर्सेस जो हम हम लोग साइंटिस्ट नहीं हैं बट जो लोग हमें बताते हैं एक्सपर्ट्स बताते हैं जो साइंटिफिकली जो चीज़ें हैं फास्ट बॉलिंग बिल्कुल ह्यूमनली इम्पॉसिबल होती है फिर आप ज़रा सा मार्जिन दें अपने बॉलर्स को कि वो टेस्ट क्रिकेट अभी तक नहीं ख़ुरम शहजाद नहीं खेले हुए थे जो टेस्ट क्रिकेट का लोड है वो डोमेस्टिक क्रिकेट का लोड नहीं है तो ये कुछ चीज़ें हमें अपनी फ़िटनेस में हमें अपनी रूटीनस में हमें मे बी अपनी रेड बॉल क्रिकेट भी बढ़ानी होगी आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि जैसे आपने खुरम का नाम लिया और हमारे बॉलर्स हैं रेगुलरली जाके मे बी काउंटी क्रिकेट के, के रेड बॉल मैचेस खेलें क्योंकि आई फील आपकी बॉडी टूटेगी ज़रूर लेकिन ये बनेगी कैसे कि बार बार जब आप रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे आप तीस ओवर चालीस ओवर करेंगे तब जाके आपकी बॉडी बनेगी और आपके आउटसाइड द Um, क्या कहते हैं क्रिकेटिंग फील्ड आपकी जब एक 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 फिटनेस प्रोग्राम सेट होगा आपकी वो चीज़ जो ऑलरेडी हो रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं बट ये कुछ चीज़ें जो आप ग्राउंड में रह के ही सीखेंगे बार बार ओवर्स करके सीखेंगे आई थिंक ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की जहाँ तक आपने बात की वो यूज़ टू भी हैं पच्चीस ओवर करना है एक इनिंग्स में तीस ओवर करना है एक इनिंग्स में तो ये एक चीज़ है जब हम ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी हमारे बॉलर्स में थैंक okay. यू